कौन मछली छे बाबा? ये पोठी मछली है। पोठी मछली अरसी जो बनाते हैं उसी में फंसते हैं। अरसी मतलब ये जो बन रहा है अभी? हाँ, एक बार कैमरा मैन चाहूंगा ये दिखाने, ये अरसी बन रहा है। हाँ, उसमें यही यही पोठी मछली। ये मछली, एक बार मछली को दिखाइए आप। मछली कैसे कैसे पिंजरा बना रहे हैं? पिंजरा अभी बना रहे हैं, देखिए देखिए। यही पोठी मछली है। हाँ, इसके लिए जो है ना ही पिंजरा बनते हैं। मतलब ये छोटा छोटा पानी बह जाता है, फंस जाता है इसमें। हाँ, इन्हें निकल पाता है। इसका जो है पिंजरा बनेगा। हाँ, इसको पिंजरा बनने के बाद जो है ना, इसका फिर पानी में लगाएंगे तो ये फंसेगा ये मछली। इसके ऊपर से भी कुछ डालते हैं क्या? कुछ नहीं डालते, अपने आप फंसेगा। अपने आप फंसेगा? हाँ, पानी में रखने के बाद फंसते हैं अपने। पानी में कैसे लगाते हैं, मतलब खड़ा कर देते हैं? पानी में खड़ा कर देते हैं। मतलब बाबा ही बनाते हैं? की नाम है बाबा? हमारे नाम नारायण सहनी। नारायण सहनी। हाँ बाबा, ये कांवर झील छे। हाँ, कते परेशानी, तू तो बहुत टाइम बिता दे। तू बहुत परेशानी है, जब पानी सूख जाते हैं तो हमारे मछुआ लोग को खाने का बहुत फापा पड़ जाते हैं। गर्मी के टाइम में पूरा पानी सूख जाता होगा ना? सूख जाते हैं। और जितना किसानों लोग है, भूमियारो लोग, वो अपने गाला उपजा करके खाते हैं, हमारे भूखे मारते हैं। इसमें हमारे बाल बच्चा हम कहाँ से आमन गमन करेंगे? हम तो सूखे रह जाते हैं, तो इसमें हमारा जीवन कैसे पाला जाएगा? अच्छा, इसको साफ सफाइया करने का रुपया आता है? आते हैं कि बहुत आए, करोड़ों रुपया आया। देखा ये सब जंगल है, देखिए सरकार को दिखाइए। अच्छा बाबा, एक मिनट, अभी तो अभी सूख गया है कि आप तो बहुत पहले से यहाँ पे हैं? बहुत पहले। तो पहले भी ऐसा ही था कि पहले पानी था, अच्छा अच्छा लगता था? ऐसे बेसी पानी था, पानी पहले बहुत था, नहीं सूखता रहा, नहीं सूखता था, नहीं। अच्छा से जीवन करता था आप लोगों का? अच्छा, सो हमारे बाप दादा जो था पूर्वज में, जीवन पालन करा यही में। हमारा खेती बाड़ी कोई नहीं है, खूब अच्छा से जीवन बिताते थे उस टाइम में, वो समय में। सरकार के मुंह पे ये सीधा तमाचा है। इनके जो दादा परदादा थे, फोरफादर जो थे, उनका जीवन पार्जन बहुत अच्छा चलता था सर। उस वो टाइम था जब बहुत अच्छा जीवनोपार्जन चलता था। और एक ये समय है जब कहते हैं हमारा बिहार तरक्की पे है, हमारा भारत तरक्की पे है। और एक तरफ हम ये आपको दिखाते हैं जहां बाबा कहते हैं कि हमारे बाप दादा खूब अच्छा से रहते थे, लेकिन अभी जब गर्मी आता है तो यहां का एक एक पानी पूरा सूख जाता है। और सूखने के बाद इनकी जो इनके जो बच्चे हैं खाने के लिए तरसते हैं। इनका जो लाइफ स्टाइल है पूरा बद से बद हो जाता है। इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि यहां की हालत को सुधारने की जिम्मेदारी भी आपकी थी, जो आपने पूरा नहीं किया है। मैं अभी कांवर झील पे हूं और आप यहां पे इनकी दुर्दशा देख रहे हैं। मैं हूं इनकेश, आप देख रहे थे एसएम न्यूज। धन्यवाद।